हिसार के मैयड़ व आसपास के 10 गांवों में पानी न होने के कारण त्राही त्राही मची हुई है। लगभग 50,000 लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाओं ने हिसार दिल्ली हाईवे रोड पर मटका फोड़ के प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें हफ्ते में 2 बार नहरों में पानी दिया जाए तथा पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। पानी की मांग को लेकर आज ग्रामीणों के साथ महिलाएं भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर हिसार के डीसी को 2 बार व विधायक जोगीराम सिहाग तथा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। गाँव की महिलाओं ने बताया कि पानी की कमी के कारण महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पानी हमारे रोजमर्रा की जरूरत है, इसलिए हमें पीने के पानी का पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ना तो पानी पीने के लिए है, ना ही खेत में लगाने के लिए है। ऊपर से डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते आज हमने मटका फोड़ प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने कहा कि हमारी मांग है कि नहरों में पानी एक हफ्ते में कम से कम 2 बार आना चाहिए तथा पीने का पानी पूरा मिलना चाहिए। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हमें पानी की समस्या के लिए यहाँ मांग है। एक हफ्ता हो गया हमें यहाँ बैठे, 120 दिन हो गए हमारे नदी में कोई टूट गया, मतलब कम पानी नहीं है, बिल्कुल समस्या के लिए आ गए। जो हम इस के बारे में यहाँ पर बैठे हैं, सरकार हमारी ना तो सुन ले ना और ज़्यादा धरना बताएंगे हम, हैं जो हमारे हम कुछ भी बन सकता वो करेंगे। पानी के लिए ट्यूबलों का खारा पानी पीते हैं, हमें पीने के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं, खेतों के लिए नहीं, न पेट के लिए न खेत के लिए। पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारी समस्या कोई नहीं सुनता। हमने तो सबके सामने रखे हैं, जो हमें पानी देगा हमको उसे को हमारी मांग सुने यहाँ पर कोई नहीं। 10 गाँव की महिला इकट्ठी हो रही है पानी की समस्या के लिए। हमें पानी चाहिए, हमारी मांग चाहिए और हमें कुछ नहीं देता। हमें और आंदोलन ज्यादा करेंगे, हमें रोड रोकेंगे। देखो तो पीने में पानी नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है जी, कुछ भी नहीं मंगा पानी बिना तो। खेत में कुछ हो नहीं करा, पानी नहाने में मिला नहीं, पानी पीने में मिला नहीं, पशुओं ने मिलता नहीं, दिक्कत ही दिक्कत है। 60 दिन हो गए गाँव में पानी बढ़े, 60 दिन हो गए गाँव में पानी बढ़े तो खा लेंगे, क्या कमा लेंगे। रोड पर धरना धरेंगे जी, हमें बहुत मजबूत धरेंगे। पालड़ी बात याद कर, पालड़ी फाइल उठल ले हमारी, वो याद करो जो जिन से दिन पालड़ी धरना पर बैठे थे, वो करो हमारी कार्रवाई पछले पन्ने उगाड़ दे, वो हम उस पर भी फल तो करेंगे। हमारे जी 6 महीने हो गए पानी नहीं आ, घरा पानी पीने नहीं, डांगर पहनना नहीं, खेत में लगाना नहीं। हमी तो एन जमा मजबूरी मां के ने आराडा रोड के ऊपर आए सा, ईब से हमारी मांग पूरी ना हुई नहीं तो हमी कुछ भी करेंगे। आज ये पानी खातर करया है, पेट खातर करया है, खेत में पानी नहीं, पंडे में पानी नहीं, यूं बता मैंने सारा दिन बाबा तो दुखी होते हंडे जावा किसान बाण से मर क्या है, आमदनी को नहीं, पानी खेत में को नहीं, तेल जान का मांगा हो रहा, क्यों के लाव पानी। हमारी मांग ना पूरी हुई तो हमी से भाई हमारी मर्जी, हम की मैं करूँ चाहिए बता दी। देखो जी, हमने 7 दिन हो गए बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन धरना दे रहे थे, सिर्फ 2 तो मांगे जी हमारी पानी की। ये जो दर्जन भर गांव है ना, 10-12 गांव, इनमें पानी 60-70 दिनों से बूट को नहीं आई जी। मारे सारे तो पेंडे खाली है जी हमारी, सारी डिग्गी खाली है जी, और खेत की सारे जीरी सूख गई जी हमारी। अब हमने हार थके, पहले ज्ञापन दिया जी, हार थके ये धरना दिया है। अब धरने से भी काम नहीं चले, ये महिलाएँ लिगड़े हैं जी आज, नो बोले हमें चलेंगे। और आज तो ये प्रदर्शन करे जी मटका रोष प्रदर्शन, और आंदोलन जो तेज करने की बात है वो भाई बताओगा। ये हमारी समस्याएं हैं, पानी पूरा चाहिए और 2 हफ्ते पानी चाहिए जी। कम से कम भी 50,000-60,000 लोग प्रभावित है जी, 10-12 गांव के गाठी मर मर के गिन लो जी, इतनी बड़ी समस्या है। आज तो हमने शांतिपूर्ण मटका फोड़ रोष प्रदर्शन कराया जी, सरकार जाग जाए। हम पहले मिले थे जी, 2 बार डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, कोई सुनवाई नहीं। हम अपनी मांगों को लेकर के डीसी साहब को भी ज्ञापन दे के आए थे, जो स्थानीय MLA हैं उनको भी हम मिले थे, जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी हम गए थे, उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन पानी की एक घोटी आ नहीं पहुँची। और पानी की घोट ना पहुँचने की वजह से हमें रोड के ऊपर ये प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर सरकार प्रशासन अभी तो हम ये शांतिपूर्ण तरीके हमारे
कि सरकार के कान में क्यों बोल रहा है और वह जाग गए सरकार इनकी समस्याओं को सुने। अगर सरकार एक या दो दिन में नहीं जागती तो हमें मजबूरन आंदोलन का उग्र रूप करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेवार। पानी हमने एक महीने में दो हफ्ते चाहिए, एक महीना में दो हफ्ते ज़्यादा नहीं है, सबका काम चल जाए, पीछे भी पानी पूरा हो जाए और पहले आया भी करती है, चलाया करती नहर तेल पर पूरा पानी, ये दो ही मांगे। पानी न मिलने से इतनी दिक्कत है, एक तो फसल जो है किसान की अब बुआई का टाइम है, डीजल के रेट 15 रुपये तक बढ़ गए, एक एकड़ तो मैं 2000 रुपया तक खर्चा हो, 2000 रुपये खर्चा लगाने के बावजूद भी फसल खराब हो रही। दूसरा जो पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है, डिग्गियाँ खाली हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रही, पानी खराब पानी पीने की वजह से, आर ओ लगवा लिया, आर ओ तो भी नहीं साफ हो रहा, ऐसा पानी आ रहा है, तो बहुत भारी समस्या है। अगर इनका समय रहता सरकार ने निदान नहीं कराया तो हमें मजबूरन उग्र रूप करना पड़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.